हाथरस की नकली भाभी, हाथरस की नक्सली भाभी, यूपी में दंगा भड़काने आई थी संदिग्ध महिला, परिवार को उकसाने आई थी नक्सली भाभी। ये वो लेबल हैं जो मनुवादी मीडिया ने उस महिला को दिए हैं जो हाथरस पीड़िता के घर में मिली थी। हाथरस कांड में विरोध की आवाज को दंगे भड़काने की साजिश बताने वाली यूपी सरकार ने डॉक्टर राजकुमारी पर दंगे भड़काने का ही आरोप लगा दिया। लेकिन क्या सच में डॉक्टर राजकुमारी माहौल बिगाड़ने पहुंची थी? क्या सच में डॉक्टर राजकुमारी का नक्सलियों से कोई ताल्लुकात है? जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। आज इस वीडियो में डॉक्टर राजकुमारी पर लगे सारे आरोपों की बखिया उधेड़ी जाएगी। डॉक्टर राजकुमारी पर पहला आरोप है कि वो पीड़ित परिवार के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर राजकुमारी ने परिवार से अपनी पहचान छुपाई और वो लगातार उन्हें उकसाने लगी। लेकिन इस आरोप में रत्ती भर भी वजन नहीं है। आप खुद सुनिए डॉक्टर राजकुमारी ने कैसे पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान ही हर किसी को अपनी असली पहचान बताई थी। मेरे पिताजी हैं, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरा समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है, आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें जिंदा हड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है, और हम कितना सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस केस में पैदा हुए? ये गलती है हमारी। और मेरे पिताजी को वादा किया है कि मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी, अगर मुझे टारगेट किया जाए। मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है, लॉकी कर लंकेश कौरी को मरवाया जाता है। कल मुझे भी मरवाया जा सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुझे न्याय चाहिए कि किस बिना पे हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे चलाया गया। क्यों चलाया गया? कूड़ा कचरा समझ रहे थे आप? क्या लॉटरी समझ रहे थे आप उसको? क्या जानवर समझ रहे थे? क्यों पेट्रोल और डीजल डाल के चलवाया गया? क्या अपराध नहीं है? आज आप क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्या मतलब है नार्को टेस्ट का? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है? मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ। मैं यहाँ मदद करने आई हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं ऐसी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। ये वीडियो एबीपी न्यूज में मेरे पुराने सहयोगी अभिनव पांडे ने भेजा है, यानी वीडियो से छेड़छाड़ की गुंजाइश कम है। जब डॉक्टर राजकुमारी ने पहले ही दिन परिवार को बता दिया था कि वो कौन हैं, कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, तो फिर उन पर पहचान छुपाकर रहने का आरोप क्यों लगाया गया? डॉक्टर राजकुमारी पर दूसरा आरोप ये है कि उनके संबंध नक्सलियों से हैं। यूपी की जांच एजेंसियां इस बारे में पड़ताल कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर राजकुमारी जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। वीडियो में उन्होंने खुद इस बारे में बताया था। यही नहीं, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से डॉक्टर राजकुमारी को क्लीन चिट दे दी गई है। कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि हमारी ओर से डॉक्टर राजकुमारी बंसल को कोई भी शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। डॉक्टर राजकुमारी पर तीसरा आरोप ये है कि वो हाथरस में परिवार को उकसाने और दंगा भड़काने गई थी। लेकिन एंटी कास्ट एक्टिविस्ट और मैं एक कार सेवक था जैसी मशहूर किताब के लेखक भंवर मेघवंशी ने इस आरोप को भी बेबुनियाद बताया है। उन्होंने शून्यकाल पर प्रकाशित अपने लेख में लिखा, दरअसल राजकुमारी बंसल एक अंबेडकरवादी डॉक्टर हैं। वे पे बैक टू सोसाइटी के अंबेडकराइट्स विचार में विश्वास रखती हैं। हालांकि उनका पीड़ित परिवार से रक्त का कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ दर्द का ही रिश्ता है। वे वाल्मीकि समाज से भी नहीं हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी ने उनको हाथरस पहुंचने पर मजबूर कर दिया और वे तमाम खतरे उठाते हुए न केवल उस गांव तक पहुंची बल्कि पीड़ित परिजनों के साथ रहकर उनका हौसला भी बढ़ाया और यथासंभव मदद भी की। ये उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और मानवता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। भंवर मेघवंशी आगे लिखते हैं कि डॉक्टर राजकुमारी के पीड़ित पक्ष से मिलकर वापस लौटने के बाद एक कहानी रची गई और उस झूठ को मीडिया और जांच एजेंसियों ने प्रचारित करके मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की असफल कोशिश की। वैसे तो यूपी सरकार ने दंगे भड़काने की साजिश, योगी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश और भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बीच रिश्ते होने और 100 करोड़ की विदेशी फंड आने जैसा झूठ बुने हैं, पर ताजा झूठ ये रचा गया कि हाथरस कांड का नक्सली कनेक्शन मिल गया है। इस घटना के तार नक्सलवादियों से जुड़े होने के दावे किए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक न्याय की मांग करने वाले बहुजनों को यूं साजिशों का शिकार बनाया जाता रहेगा?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट डिटेल्स में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आदर्श। जय भीम, जय भारत। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।